आ जाओ बेटा, आ जाओ। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग मंजीत राठ, गुड मॉर्निंग। यस गुड मॉर्निंग उमेश सैनी, गुड मॉर्निंग रिया, गुड मॉर्निंग बेटा सुमेधा, गुड मॉर्निंग रोहित शर्मा, शालीन यादव, आर्यन सृष्टि बेटा, गुड मॉर्निंग जपजोत। चलो आ जाओ बेटा, जल्दी से आ जाओ, सारे बच्चे आ जाओ क्लास में। प्यारी प्यारी क्लास स्टार्ट होने वाली है। कार्तिक कौशिक वेरी गुड बेटा, चलो तो जल्दी से पढ़ लो आप। आज आपका नया सेशन स्टार्ट होने वाला है एक नई क्लास के साथ। मेरे बच्चों तैयार हो जाओ। गुड मॉर्निंग विनय बेटा, आ जाओ। गुड मॉर्निंग देविक बेटा, चलो स्टार्ट करें बेटा क्लास। पहले तो देखो जल्दी से टॉपिक पढ़ो, हितेश सर ने क्लास का टॉपिक क्या लिखा हुआ है, जल्दी से पढ़ के बताओ क्लास का टॉपिक क्या है। क्लास का टॉपिक पढ़ के बताओ जल्दी से मेरे बच्चों, क्लास का टॉपिक पढ़ के बताइए। जल्दी पढ़ो, देन टेल मी नो। बेटा टॉपिक का नाम लिखा हुआ है, आप पढ़ो, देन लेट मी नो। बहुत ही प्यारा टॉपिक है। गर्वित गांधी कह रहे हैं सर इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट और एवरेज एटॉमिक मास। यस यस बेटा यस, दिस इज द कॉन्सेप्ट। और इसको स्टार्ट करने से पहले निर्देश सर आज आपकी छोटी सी जबरदस्त एक टेस्ट लेंगे, और ये आपका जस्ट लाइक एक ऑनलाइन टेस्ट होगा कि मैं देखना चाहता हूं कितने ऐसे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो मेरा पिछला काम तैयार करके आए हैं जो मैंने आपको काम दिया था। चलो आ जाओ, सुनो ध्यान से। 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज मिक्स्ड विद 29 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। जल्दी से मुझे बताओ कौन सा रीजेंट एक्सेस रीजेंट है एंड हाउ मैनी ग्राम्स इन एक्सेस। कौन सा रीजेंट एक्सेस रीजेंट है और कितने ग्राम एक्सेस में है। बेटा जल्दी से स्टार्ट हो जाओ, जल्दी से स्टार्ट हो जाओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्नो बच्चों। अपनी वीडियो क्वालिटी 360 पिक्सल पर और 480 पिक्सल पर एडजस्ट कर लीजिएगा, फिर आएगा क्लास का मजा। ठीक है, चलो निकालो मेरा बेटा, निकालेगा मेरा बच्चा। चलो देखता हूं कौन सबसे फास्ट आंसर करता है। थ्री ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 29 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, विच रीजेंट इज द एक्सेस रीजेंट एंड हाउ मेनी ग्राम्स इन एक्सेस। कितने ग्राम एक्सेस में है। तनुज बेटा आप बैलेंस इक्वेशन लिख के मत दिखाया करो, आंसर निकाला करो, आंसर निकालो, आंसर इज मोर इंपॉर्टेंट, मुझे आंसर से मतलब है। बैलेंस इक्वेशन तो काफी बच्चों ने लिख ली होगी। 10th क्लास की रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, 10th क्लास की कॉम्बिनेशन रिएक्शन है कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर पानी बनाते हैं। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, बेटा जितने बच्चे लाइव क्लास में आते हैं प्लीज अटेंड द क्लास कंप्लीट, आपको काफी नॉलेज मिलेगी। और जिन्होंने मेरी लाइव क्लास रेगुलरली देखी है बेटा, पिछले लेक्चर भी देखते रहे, पूरी प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के नाम से।
पूरे प्लेलिस्ट को एंजॉय करो, एक-एक नंबर के जबरदस्त लेक्चर है सारे, और आपको चैप्टर के बारे में पूरी नॉलेज मिल जाएगी, पूरे लेक्चर डेप्थ में। चलो, अभी तक किसी ने आंसर नहीं निकाला है, क्या बात, मजा नहीं आया? मजा नहीं आ रहा भैया? आंसर निकालो, ऐसे मजा नहीं आता, आंसर निकालो मेरे बच्चों। रीना रेडू, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम, हाउ आर यू, कैसे हो आप? निकालो मेरा बच्चा। किशन सरावत ने आंसर निकाला 27 ग्राम। बेटा मैंने वाटर का वेट तो पूछा ही नहीं, बेटा मैंने वाटर का वेट तो पूछा ही नहीं है, मैंने पूछा है कि कौन सा रीजेंट एक्सेस रीजेंट है और कितना एक्सेस में है, मैक्स है नहीं। फिर भी आप राइट गलत जा रहे हो बेटा, मैक बेटा गलत जा रहे हो थोड़ा सा। मैक आई एम आस्किंग कि विच रीजेंट इज एक्सेस रीजेंट एंड हाउ मेनी ग्राम्स इन एक्सेस। आई एम आस्किंग वेरी सिंपल क्वेश्चन, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द अमाउंट ऑफ वाटर, मैं पानी का अमाउंट नहीं पूछ रहा हूं बेटा। चलो मैं ट्राई करता हूं, आप कोशिश करना। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों मिलकर मेरा बच्चा वाटर बनता है, ठीक है? पहले बैलेंसिंग, मैंने बोला था अगर आप एक्सेस रीजेंट और लिमिटिंग रीजेंट के क्वेश्चन कर रहे हो देन बैलेंसिंग इज मस्ट, बिकॉज यू विल एक्चुअली गेट टू नो अबाउट कि हाउ मेनी एक्चुअल मोल्स आर रिएक्टिंग। तो क्या करेंगे, 2s2, ठीक है, पहले यहां से बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन यहां पर एक है, यहां पर दो है, यहां पर दो लगाओ। हाइड्रोजन चार हो गए, यहां दो लगाओ, हो गया। पहले देखो एक्चुअल कितना पार्टिसिपेशन हो रहा है, एक्चुअली 4 ग्राम हाइड्रोजन, देख लो हाइड्रोजन कितना है 4 ग्राम, ऑक्सीजन कितना है 32 ग्राम, ठीक है। और आपको गीवन कितना है मेरा बच्चा, गीवन कितना है 3 ग्राम हाइड्रोजन और 29 ग्राम ऑक्सीजन। अभी भी निकाला कि नहीं निकाला किसी ने? नहीं भैया, नहीं, मजा नहीं आ रहा भैया, बिल्कुल ही मजा नहीं आ रहा, बच्चे नहीं आ रहे सिंसियरली। अरे मैंने आपको इतने जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन कराए LIRR के, आपसे ये क्वेश्चन तो जरूर होना चाहिए मेरा बच्चा। हाइड्रोजन एक्सेस में है, अभी देखते हैं बेटा, अभी देख लेते हैं। चलो देखो बेटा, देखो 4 ग्राम हाइड्रोजन को कितना ऑक्सीजन चाहिए, 32 ग्राम, देख लो एक बार। 4 ग्राम हाइड्रोजन को, 4 ग्राम हाइड्रोजन को कितना ऑक्सीजन चाहिए, 32 ग्राम टू फॉर्म द वाटर, ठीक है। 1 ग्राम हाइड्रोजन को कितना चाहिएगा, 32 डिवाइड बाई 4, और कितना ग्राम गिवन है, 3 ग्राम, तो 3 ग्राम को कितना चाहिएगा, 32 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 8 32। अरे बेटा गलत कर रहे हो, केवल 24 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, कितना ऑक्सीजन चाहिए 24 ग्राम, और गिवन कितना है 29 ग्राम। देखो 24 ग्राम तो रिक्वायर्ड है भाई, अगर देखो अगर हाइड्रोजन 3 ग्राम है तो इसको 24 ग्राम क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन कितना गिवन है 29 ग्राम, तो बेटा ऑक्सीजन एक्सेस में है, क्या कर रहे हो मेरा बच्चा। एक्सेस रीजेंट कौन है, ऑक्सीजन, और कितना एक्सेस में है, एक्सेस अमाउंट निकालो, 29 में से 24 कैंसिल करो, 5 ग्राम एक्सेस में है। नहीं बेटा आप सही ट्रैक पे नहीं जा रहे हो। दिव्या कह रही है सर एक्स नहीं किया, क्या नहीं किया बेटा, ऑक्सीजन एक्सेस में है 5 ग्राम। दिव्या बेटा गलती मत करो, अच्छे से आंसर करो क्लास में। अच्छा मल्टीप्लाई नहीं किया, तनुज कह रहा है सर वन मोर क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन तो मैं इतने जबरदस्त जबरदस्त आपके लेकर आऊंगा, आपके बिल्कुल बिल्कुल दिमाग के ढक्कन खुल जाएंगे सारे के सारे, लेकिन आप करने वाले तो बनो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले तो बनो मेरे बच्चों।
पहले बताओ ये क्वेश्चन बिल्कुल क्रिस्टल क्लीन है, इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो, फेयर नोटबुक में नोट करना है। रजनीश कुमार गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। रेनू रेड्डी कह रही है सर लाइव क्लास किस टाइम शुरू होती है हर रोज? लाइव क्लास का टाइमिंग मैं आपको बता देता हूं, मेरी 9:40 पे क्लास होती है सुबह 12th क्लास की। कल मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट करूंगा, उसमें फर्स्ट सॉल्यूशन पढ़ा चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। और करेक्ट 11 बजे, आज तो लेट हो गया, 11:30 स्टार्ट हुई है, करेक्ट 11 बजे सुबह 11th क्लास होती है। चलो ठीक है, आ जाओ। ठीक है मैम, कोई दिक्कत नहीं है। दिव्या कह रही है सर ऑर्गेनिक का लाइव कब है? अच्छा अच्छा, ऑर्गेनिक का लाइव, अच्छा मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको याद आ रही है क्या दिव्या बेटा? मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद आ रही है आपको, मेरे को लग रहा है। चलो बढ़िया, ठीक है बेटा, क्लियर है? हाँ, आ जाओ। अगला क्वेश्चन देता हूं, बड़ा प्यारा सा। हाँ, अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछा होता ना, इसमें वाटर का अमाउंट कितना बनेगा, वाटर इसमें 27 ग्राम बनेगा, वाटर कितना बनेगा 27 ग्राम, क्योंकि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? हाइड्रोजन। देख लो बेटा, अगर इसमें एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन पूछा होता, मैं इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 ऐड कर रहा हूं। ये जो न्यूमेरिकल अभी आपको दिया था ना, इसी में मैं क्वेश्चन नंबर 2 ऐड कर रहा हूं। दिव्या कह रही है ऑर्गेनिक कब करवाओगे? ऑर्गेनिक बेटा बाद में होगी, ऑर्गेनिक बाद में होगी, ठीक है, पहले फिजिकल चल रही है। क्या है बेटा, देखो, अगर इसमें क्वेश्चन पूछा होता एग्जामिनर ने कि हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड, कितना पानी बनेगा मेरा बच्चा, तो भर से वही रिएक्शन करो, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मेरा बच्चा मिलकर क्या बनाता है? पानी बनाता है, पानी पानी रे। चलो, दो हाइड्रोजन और दो बैलेंस हो गया। क्या पता अगर ये बेटा मेरा ER है एक्सेस रिएजेंट, तो ये क्या है मेरा बच्चा? ये मेरा LR है। और मैंने आपको नितेश सर ने कल ट्रिक दी थी कि अगर आपको प्रोडक्ट का अमाउंट निकालना है, इट विल बी डिसाइडेड बाई LR। भाई प्रोडक्ट के अमाउंट कौन डिसाइड करता है मेरा बच्चा? LR डिसाइड करता है, क्योंकि अगर LR कंप्लीटली कंज्यूम हो चुका है तो वो प्रोडक्ट बाद में नहीं बनाएगा, समझ में आई? हाँ, चलो, हाइड्रोजन LR है तो LR के अमाउंट से निकलेगा, तो हाइड्रोजन कितना है यहां पर? 4 ग्राम। वाटर कितना बन रहा है? एक वाटर मोलिक्यूल का वेट होता है 18। दो मोल का वेट कितना होगा यहां पर? वाटर के मेरे बच्चे 2 मोल बन रहे हैं, एक का वेट 18, दो गुना 2 गुना 18 36 ग्राम बनता है। तो 4 ग्राम हाइड्रोजन से 36 ग्राम, 1 ग्राम हाइड्रोजन से कितना बनेगा? 36/4। और हाइड्रोजन कितना गिवन है मेरा बच्चा? 3 ग्राम, 3 ग्राम। तो 3 ग्राम में कितना बनेगा? मल्टीप्लाई बाय 3 करो, आंसर आएगा 27 ग्राम ऑफ वाटर। इस क्वेश्चन का आंसर है 27 ग्राम ऑफ वाटर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लीन है, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लीन है मेरा बच्चा। यस यस, बहुत ही प्यारे बच्चे। यस, ये हुई ना बात, ऐसे बच्चे चाहिए हमें। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। ये अंशिका और सचिन, ये एक ही भाई बहनों का, एक ही क्लास देखते हो साथ में। चलो 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 आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देते हैं आपको नितेश सर। क्लास एंजॉय करो बेटा, क्लास लेंथी हो जाए तो भी एंजॉय करो। और वैसे भी क्लास केमिस्ट्री का टाइमिंग मैंने लास्ट में फिक्स किया हुआ है, क्योंकि केमिस्ट्री के बाद कोई क्लास नहीं होती, तो आप इस क्लास को आराम से एंजॉय कर सकते हो, है ना, क्योंकि मैं सारे बात न्यूमेरिकल की बोछार करता हूँ, और न्यूमेरिकल की बोछार करने से मजा आता है, मुझे अच्छा लगता है न्यूमेरिकल की बोछार करने से। मैं कहता हूँ बेटा, अगला क्वेश्चन
22.4 लीटर हाइड्रोजन इट इज कंबाइनिंग विद 11.2 लीटर ऑफ क्लोरीन टू फॉर्म HCl. क्या बना रहा है? HCl बना रहा है. 22.4 लीटर हाइड्रोजन ऑन कंबाइनिंग विद 11.2 लीटर ऑफ क्लोरीन टू फॉर्म HCl. और मेरा क्वेश्चन है कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ HCl आर प्रोड्यूस्ड. HCl के कितने मोल्स बनेंगे? और मैं आपको बता दूं मेरा बच्चा, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन NEET 2014. लिख लो बेटा, नीट 2014 का क्वेश्चन है. आज से 7 साल पहले आया था ये क्वेश्चन. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है. करो करो मेरा बच्चा, नीट 2014 का क्वेश्चन है. क्या पूछा है? पूछा है, समझ गए ना? मैंने पूछा है HCl के कितने मोल्स बनेंगे. हाउ मेनी मोल्स ऑफ HCl आर प्रोड्यूस्ड. लगाओ दिमाग. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है. 1 मोल ऑफ HCl. कृष्ण सरावत का आंसर आ चुका है, लेकिन सबसे पहले आंसर किया मेरा बच्चा कौन है? पार्थ सैनी ने किया 1 मोल. पार्थ के बाद क्या? कृष्ण सरावत ने, फिर गर्वित गांधी ने, प्रीति यादव ने, विनय ने, पारस. वेरी गुड. बहुत ही प्यारा बच्चा, 1 मोल ऑफ HCl. और बेटा ध्यान रखो, जब किसी एक बच्चे का आंसर निकल जाए तो बाकी बच्चे उसको कॉपी पेस्ट ना करें, है ना? पहले खुद पे कॉन्फिडेंस हो जाए कि सामने वाला आंसर जो कर रहा है वो गलत भी तो हो सकता है, है ना? कॉपी पेस्ट मत करो. अपना वो एक कहावत है ना कि डोंट ट्राई टू इम्प्रेस यूर सेल्फ, जस्ट ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्रेस यूर सेल्फ. ठीक है, इम्प्रेस करने को सिर्फ मत करो, अपने आप को एक्सप्रेस करो. चलो, कितने मोल बनेंगे? अब मेरा बच्चा ध्यान से सुनेगा. मैंने रिएक्शन बनानी है पहले तो, कि H2 गैस और Cl2 गैस दोनों मिलकर 2HCl बनाते हैं मोल्स. ठीक है, एक्चुअल रिएक्शन तो ये है. और मेरा बच्चा ध्यान से सुनेगा, बेटा देखो, आपको वॉल्यूम से मोल निकालना सर ने सिखाया था. अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, मैं यहां नहीं लिखूंगा, उधर लिखूंगा. मेरा बच्चा ध्यान से समझेगा, अगर वो नितेश सर का स्टूडेंट है बिल्कुल प्यार से सुनेगा. मैं कह रहा हूं, अगर मेरा बच्चा नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो मैंने कहा था गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर. कितने बच्चों को ये फार्मूला पता है? मैंने बोला था अगर आपको वॉल्यूम से मोल निकालने हैं तो गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4. बताओ कितने बच्चों को पता है ये फार्मूला? कितने बच्चों को पता है मेरा ये फार्मूला? चलो, बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारे बच्चे. तो देखो, आपको गिवन है, मेरा बच्चा गिवन कितना है? 22.4 लीटर. इसका कितना गिवन है? 11.2 लीटर. तो गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 22.4 डिवाइडेड बाई 22.4. बेटा मोल निकल गए, क्योंकि ये आपको गिवन वॉल्यूम था. देखो, 22.4 लीटर गिवन है, 11.2 लीटर गिवन है. तो मैंने क्या किया? गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4, गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4. इसका गिवन मोल कितना आया? इसका गिवन मोल आया 1 मोल. गिवन लिख दो, गिवन. इसका 1 मोल गिवन है. इसका कितना मोल गिवन है? 1.2 मोल, 1/2 मोल गिवन है. दो पे जाएगा. चलो, बहुत बढ़िया. अब आ जाओ, अब मैंने कहा था मेरा बच्चा, अगर आपको लिमिटिंग एक्सेस रीजन निकालना हो तो एक्चुअल मोल से डिवाइड कर दो. मेरा बच्चा, तो एक्चुअल मोल कितने हैं? हाइड्रोजन का 1 मोल और क्लोरीन का भी 1 मोल. हाइड्रोजन का भी 1 मोल, क्लोरीन का भी 1 मोल. और गिवन मोल अपॉन एक्चुअल मोल डिवाइड कर दो. गिवन मोल अपॉन एक्चुअल मोल कल सिखाया था, 1/1 को डिवाइड करो, 1 ही आएगा. 1/2 को 1 से करो. मेरा बच्चा 1/2 को 1 से करेगा तो कितना आएगा भाई? 1/2 क्या होता है? 0.5.
1 by 2 क्या होता है 0.5, तो 0.5 को 1 से करोगे तो कितना आएगा 1 by 2 ही आएगा, कितना आएगा 1 by 2। तो कौन सा कम है, ये वाला कम है। देखो 1 by 2 कम होता है और 1 ज्यादा होता है, ठीक है। तो 1 by 2 कम है तो यहां से प्रूव हो गया कि क्लोरीन मेरा LR है और हाइड्रोजन मेरा ER है। तो जल्दी बताओ चैट सेक्शन में यहां तक क्रिस्टल क्लीन है, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में यहां तक क्रिस्टल क्लीन है, जल्दी बचाओ मेरा बच्चा। चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा। देखो मैंने कहा था जो क्वांटिटी कम होती है, मैंने बताया था कल ट्रिक निकालना, वॉल्यूम से मोल निकाल लिए, फिर ट्रिक क्या बताई थी निदेश सर ने, गिवन मोल अपॉन एक्चुअल मोल, गिवन मोल को एक्चुअल मोल से डिवाइड कर दिया, ये क्वांटिटी कम आ रही है, उधर वाली क्वांटिटी कम है, इसका मतलब ये क्वांटिटी क्लोरीन के लिए होती है और इधर वाली क्वांटिटी हाइड्रोजन के लिए होती है। क्लोरीन आपका LR हो गया। अब मैंने आपको बोला था प्रोडक्ट का अमाउंट किससे निकलता है मेरा बच्चा, प्रोडक्ट का अमाउंट निकलता है LR से, किससे LR से। तो बस इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखो क्लोरीन यहां पर कितना है, देखो एक्चुअल अगर क्लोरीन यहां पर देखो Cl2 से क्या बनाना है HCl बनता है, ये बनता है ना, ये बनता है। देखो अगर ये 22.4 लीटर लेते हैं, एक मोल है, देख लो क्लोरीन का यहां कितना मोल है, एक मोल, HCl का कितना मोल है, दो मोल, सिंपल है ना। हाँ ऐसे करो, क्लोरीन का एक मोल, यहां पर इसका दो मोल, तो देखो एक मोल में कितना होता है 22.4 लीटर और ये कितना बनेगा 44.8 लीटर, ऐसे करा करो, ठीक है। हाँ भाई इसके एक मोल से उसका दो मोल बन रहा है, लेकिन ये 22.4 लीटर नहीं रखा, ये 11.2 लीटर गिवन है, देखो कितना गिवन है 11.2, यानी कि 0.5 मोल गिवन है, कितना मोल गिवन है 0.5 मोल गिवन, देखा करो 0.5 मोल गिवन है, तो एक मोल से दो मोल बनता है, तो 0.5 मोल से कितना बनेगा, एक मोल ही तो बनेगा, एक HCl का एक मोल बनेगा, तो आंसर इज 1 मोल, आंसर कितना आएगा मेरा बेटा 1 मोल, क्लियर है, कोई डाउट नहीं मेरा बच्चा। चलो दिव्या बेटा दैविक को बोलो वो भी क्लास अटेंड करे, दैविक बेटा आर यू वॉचिंग द लेक्चर, रीना रेडू करिए सर एस्टेट के बाद भी ऑनलाइन क्लास है क्या किसी टाइम रीना मैम आप मुझे कांटेक्ट करो व्हाट्सएप पे, ठीक है। हाँ आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं, बाद में आप मुझे कांटेक्ट कर लेना 9306517546, ठीक है। क्लास के बाद आप कांटेक्ट करो, फिर हम बात करते हैं, ठीक है। चलो अटेंड कर रहा है बहुत अच्छी बात है, चलो आ जाओ मेरे बच्चा आगे बढ़ते हैं, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, नन्ना मुन्ना सा अच्छा सा कॉन्सेप्ट। चलो आ जाओ बेटा अगला क्वेश्चन दे, हाँ अगला जबरदस्त क्वेश्चन लेकर आता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा, हा 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 आ जाओ बेटा। देखो इन रिएक्शन और बेटा जे डबल ए डी वी ए एन सी ई डी, दिस इज जे एडवांस क्वेश्चन, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, दिमाग के ढक्कन खुलने वाले हैं, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ मेरे बच्चों। इन रिएक्शन अमोनिया प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है, NO प्लस वाटर, एक रिएक्शन है इसमें अमोनिया का ऑक्सीडेशन होता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस बनती है और वाटर बनता है। क्वेश्चन है व्हेन 1 मोल ऑफ अमोनिया
एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेड, अगर अमोनिया और ऑक्सीजन के एक एक मोल रिएक्ट करते हैं दोनों के, देन क्या होता है? ऑप्शन वन, ऑप्शन टू, ऑप्शन थ्री, ऑप्शन फोर। नितेश सर आपको चार ऑप्शन दे रहे हैं, सुनो मेरे बच्चा। पहला ऑप्शन, वन मोल ऑफ वाटर इज प्रोड्यूस्ड, एक मोल पानी बनता है। दूसरा, वन मोल ऑफ एनओ इज प्रोड्यूस्ड, एक मोल एनओ बनता है। तीसरा क्वेश्चन, ऑल ऑक्सीजन विल बी कंज्यूम्ड और ऑल अमोनिया विल बी कंज्यूम्ड। ठीक है, चलो मैं देखता हूं कौन मेरा इतना प्यारा बच्चा है जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकाल करके देगा। पहले तो आपके लिए एक चैलेंज है, इस रिएक्शन को बैलेंस करो, इस रिएक्शन को बैलेंस करके दिखाओ मेरे को। क्वेश्चन सरावत ने आंसर कर दिया, ऑल द ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड। बेटा आपका जेई क्लियर हो जाएगा अगर आप ऐसे ही कॉन्फिडेंट बने रहो तो। ठीक है, हाँ क्वेश्चन को मैं पहले ही बोल रहा हूँ, बेटा यू आर द ब्राइट स्टूडेंट, कीप इट अप और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ, मुझे भी प्राउड फील कराओ और ऐसे ही कामयाबी के आप शिखर को बढ़ते जाओ आगे। ठीक है मेरे बच्चा, हाँ लेकिन ध्यान रखना और कॉन्फिडेंट नहीं होना है, इलेवंथ क्लास को लाइटली नहीं लेना है, नहीं तो ट्वेल्थ में फिर से ड्रॉपिंग के चांस बढ़ जाएंगे। ड्रॉप वही बच्चा करता है जिसने इलेवंथ को सीरियसली नहीं लिया। इट इज माई 5 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग, 5 साल से मैं नीट जेई के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और मैंने यही बात ऑब्जर्व की है कि ड्रॉप वही बच्चा करता है ट्वेल्थ के बाद जिसने इलेवंथ को सीरियसली नहीं लिया। ये फैक्ट है, अगर आप इलेवंथ को सीरियसली लोगे मेरे बच्चा तो ट्वेल्थ में बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल्स आते हैं इलेवंथ के कंपेरिजन में, वेरी वेरी सिंपल न्यूमेरिकल्स। ठीक है, इसलिए ट्वेल्थ को, इलेवंथ में आप जितनी नॉलेज गेन कर सकते हो, जितनी नॉलेज गेन कर सकते हो उतनी नॉलेज गेन करो। ट्वेल्थ में बर्डन होता है बोर्ड के नंबर लेने हैं और साथ में जेई की प्रिपरेशन, नीट की प्रिपरेशन भी कंटिन्यू रखनी है, इसलिए इलेवंथ को धुन के रख दो बेटा जबरदस्त तरीके से। रितिका जांगिड़ ने आंसर निकाल दिया ऑप्शन थ्री, चलो बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत ही प्यारे बच्चे, वाह भाई वाह, मजा आ गया, सुभान अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। कर दिया भैया, अरे कर दिया क्या, नहीं कर दिया, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, हाँ देखो इसका मैं ट्रिक बता देता हूँ, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं मेरे पास। अमोनिया का जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो NO प्लस वाटर बनता है। पहले तो इस रिएक्शन का यूज बता देता हूँ, जो बच्चे मेरे पास जेई की और नीट की तैयारी कर रहे हैं उसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। ये जो रिएक्शन होती है ना बेटा, लिख लो, पहले तो किताबी ज्ञान से हटके बात करते हैं, आउट ऑफ द बुक। पहले नितेश सर आपको ज्ञान देंगे बुक से बाहर का, आउट ऑफ द बुक। क्या ज्ञान है कि दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग, इफ दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड। मेरा बच्चा आपने सुना होगा HNO3, नाइट्रिक एसिड अगर आपको भारी अमाउंट में बनाना है, बोतल भर भर के बनाना है, बिल्कुल टैंकर भर भर के बनाना है, बोतल भर भर के, तो बेटा अगर आपको नाइट्रिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो ये रिएक्शन वहां पर यूज होती है और इस प्रोसेस का नाम है बहुत ही प्यारा, दिस इज कॉल्ड ओस्टवाल्ड प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड ओस्टवाल्ड प्रोसेस। मेरा बच्चा लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आउट ऑफ द बुक। ठीक है, बुक की नॉलेज से बाहर की बात कर रहा हूं, ये रिएक्शन यूज होती है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ओस्टवाल्ड प्रोसेस। यस, इस पॉइंट को नोट कीजिए, नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरा बच्चा। अमोनिया और ऑक्सीजन का एक एक मोल है और इस रिएक्शन के याद करने का एक ट्रिक को सुन लो,
इस रिएक्शन को याद करने का एक ट्रिक और सुन लो। जब भी अमोनिया का ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन का ऐड होना क्या होता है? ऑक्सीडेशन। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। और याद ट्रिक सुन लो, नितेश सर की बैलेंसिंग वाली ट्रिक सुन लो। ट्रिक का नाम है 4546। ट्रिक का नाम कितना है? 4546। दो नंबर याद रखो, 4546। यहां लगाओ चार, यहां लगाओ पांच, यहां लगाओ चार, यहां लगाओ छ, 4546। बहुत ही प्यारी ट्रिक है, ठीक है बेटा? मजा आया कि नहीं आया? मजा आया कि नहीं आया? बेटा ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स होती है, बच्चों को याद करवानी पड़ती है, क्योंकि जब आप जेई एडवांस के पेपर में या जेई के पेपर में, नीट के पेपर में बैठोगे तो आपका कुछ टाइम तो बैलेंसिंग में खराब हो जाता है। तो मैं नहीं चाहता ये रिएक्शन स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट इन फ्यूचर पेपर में देखने को मिल जाए और आप बैलेंसिंग में टाइम खराब कर दो। टाइम इज वेरी प्रीशियस इन द कॉम्पिटिशन एग्जाम, टाइम इज वेरी वेरी प्रीशियस। एक एक मिनट की बहुत भारी कीमत है बेटा, चलो याद रखना इसको। तो अमोनिया 4546 याद रखना इसको। चलो वैसे तो आप बैलेंसिंग कर भी लोगे, मुझे पता है। चलो अब बेटा देखो, ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को, ट्राई करते हैं। आपको देखो मैंने क्या सिखाया था, नितेश सर ने ट्रिक सिखाई थी, गिवन मोल अपॉन एक्चुअल मोल, रटना नहीं है, गिवन मोल अपॉन एक्चुअल मोल। गिवन कितने हैं? इसका एक मोल गिवन है, इसका एक मोल गिवन है, चेक करो न्यूमेरिकल में। अमोनिया और ऑक्सीजन का एक एक मोल गिवन है, चेक करो न्यूमेरिकल में, बिल्कुल गिवन है। और एक्चुअल कितने पार्टिसिपेट कर रहा है मेरा बच्चा? एक्चुअल पार्टिसिपेट कर रहा है चार, और एक्चुअल पार्टिसिपेट कर रहा है मेरा बच्चा पांच। बताओ एक बटे चार बड़ा, एक बटे पांच बड़ा? एक बटे चार होता है मेरा बच्चा 0.25, और एक बटे पांच होता है मेरा बच्चा 0.20, और तो 0.20 कम है मेरा बच्चा, 0.20 कम है, उधर की टर्म कम है, तो मेरा O2Lr है और मेरा अमोनिया Pr है। यहां तक क्रिस्टल क्लीन हुआ कि नहीं हुआ? यहां तक क्रिस्टल क्लीन हुआ कि नहीं हुआ? एकदम चमकीला कि नहीं चमका? दिमाग में कॉन्सेप्ट चमका कि नहीं चमका? बोलो सर चमक गया। बहुत ही प्यारे बच्चे, बहुत ही प्यारे बच्चे, दिमाग में कॉन्सेप्ट चमकना चाहिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लीन चमकना चाहिए। यस। चलो ठीक है मेरा बच्चा। हाँ अब देखो, जे एडवांस वालों ने कितना जबरदस्त दिमाग लगाया है, इस क्वेश्चन का आंसर इतने में निकल गया, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे मूर्ख होते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करने बैठ जाते हैं। अरे बेटा देखो O2Lr है, और तो डेफिनेशन पे कौन जाएगा बेटा? जितना आपका न्यूमेरिकल पे अप्रोच तब आएगी जब आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे, डेफिनेशंस क्लियर होंगी। जब आपका O2Lr है, और Lr क्या होता है? जो आपका कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए। तो बेटा ये रहा देखो ऑप्शन, ऑप्शन थ्री देखो, ऑल ऑक्सीजन विल बी कंज्यूम्ड। आंसर तो यही मिल गया। अरे आंसर तो यही मिल गया, सोल्व करने की जरूरत क्या है? बाकी ऑप्शन पे तो जाना ही नहीं है, आंसर तो यही मिल गया। मतलब जे एडवांस के तो वैसे हमने छक्के छुड़ा दिए बेटा, ठीक है। हाँ लेकिन बाकी क्वेश्चंस को ट्राई जरूर करेंगे कि सर ये ऑप्शन गलत क्यों है। आपको नॉलेज तब मिलेगी जब आप ये जानो कि सर बाकी तीन ऑप्शन गलत क्यों है। अगर आपको देखो क्वेश्चन सोल्व करना है तो एक ऑप्शन देखो, लेकिन आपको नॉलेज लेनी है तो ये चेक करो कि सर ये प्रूव करो कि बाकी तीन ऑप्शन गलत क्यों है, बाकी तीन ऑप्शन गलत क्यों है। अभी बताते हैं मेरा बच्चा, अभी बताते हैं मेरा बच्चा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये तो हो गया सोल्व भैया, स्क्रीनशॉट ले लेना, मेरे को बोलना मत बाद में, नितेश सर ने स्क्रीनशॉट लेने नहीं दिया, बोलना मत मेरे को। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर फोर तो हो नहीं सकता, क्योंकि फोर तो अमोनिया क्या है, अमोनिया क्या है,
ER, और ER कभी भी कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता। अरे किसी पर्सन को 3 चपाती खाने की कैपेसिटी हो, उसकी प्लेट में आप 5 चपाती रख दोगे, वो 2 चपाती छोड़ देगा, ठीक है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी, उसकी लिमिट 3 चपाती खाने की है। अगर 5 चपाती उसकी प्लेट में रख दोगे तो वो कंप्लीटली कंज्यूम नहीं कर पाएगा। तो अमोनिया कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हो पाएगा, एक्सेस में है, तो फोर्थ ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया, ठीक है। बाकी 2 और चेक कर लेते हैं। LR कौन है? ये रहा मेरा बच्चा LR, और LR से दोनों की अमाउंट निकल जाएगी, LR से दोनों की अमाउंट निकल जाएगी मेरा बच्चा। देखो अभी प्रूव कर देता हूं, पहले वाटर के लिए चेक करते हैं। वाटर के लिए देखो, पहले वाटर के लिए देखो, इसके कितने मोल है? 5 मोल। आ जाओ दिमाग लगाओ, इसके कितने मोल है? 5 मोल। इसके कितने मोल बन रहे हैं? 6 मोल। ये बात, तो इसके 5 मोल इसके 6 मोल बनाते हैं, और गीवन कितना है? न्यूमेरिकल में चेक करो, ऑक्शन का 1 मोल गीवन है। तो 5 मोल अगर 6 मोल बनाता है तो 1 मोल कितना बनाना चाहिए? 6/5, मतलब 1.2 मोल बनना चाहिए, लेकिन एग्जामिनर कह रहा है 1 मोल बनेगा, गलत, क्योंकि बनना चाहिए 1.2। हो गया ना दूसरा ऑप्शन गलत, चौथा गलत, पहला गलत, अप्रूव करना है, दूसरा गलत क्यों है? अप्रूव करना है, दूसरा गलत क्यों है? ठीक है मेरा बच्चा, ठीक है मेरा प्यारा बच्चा, चलो आ जाओ, इसकी बात हो गई, हाँ नोट कर लेना इसको, इसकी बात हो चुकी है मेरा बच्चा। चलो 5 मोल बनाएगा 6 मोल, तो 1 मोल बनाएगा 6/5 मोल, सिंपल। आ जाओ, वाटर की बात हो गई, वाटर चुपचाप बैठ जाएगा, वाटर तू चुपचाप बैठ जा, तेरी बात हो गई। अब बात करेंगे NO की, इसके 5 मोल, इसके बनाते हैं 4 मोल, इसके 5, इसके 4, इसका 1 मोल, इसका बनाएगा 4/5 मोल, मतलब 0.8 मोल। बन कितना रहा है? 1 मोल। ये भी गलत, मजा आया कि नहीं आया? मजा आया कि नहीं आया? क्लियर है मेरे बच्चा? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। चलो जो बच्चे लाइव क्लास में नहीं आते उनको जगाओ, उनको बोलो कि नितेश सर जबरदस्त जबरदस्त लेक्चर करवा रहे हैं डेली डेली, भैया क्लास में आया करो, नहीं तो बहुत कुछ खो दोगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्लास में आना बड़ा जरूरी है। चलो बहुत ही प्यारे बच्चे, ठीक है मेरा बच्चा, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, ये हो चुका है, ठीक है, हाँ आगे चले, आगे चले। चलो आ जाओ, इक्विवेलेंट मास का कॉन्सेप्ट लेते हैं, एवरेज एटॉमिक मास का, एवरेज एटॉमिक मास का। पेपर में हेडिंग डालो, पेपर में हेडिंग डालो मेरा बच्चा। कॉन्सेप्ट का नाम है, कॉन्सेप्ट का नाम है एवरेज एटॉमिक मास, कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज एटॉमिक मास। अब क्वेश्चन पटक होता है कि सर जब आपने हर एलिमेंट को अपना एटॉमिक मास दे रखा है तो एवरेज लेने की क्या जरूरत पड़ी? पहले तो यही क्वेश्चन है कि सर इस कॉन्सेप्ट की नीड क्यों है? मजा तो तब आएगा ना, सर ये कॉन्सेप्ट पढ़ क्यों रहे हैं हम, हमारी क्या दिलचस्पी है इस कॉन्सेप्ट में, इस कॉन्सेप्ट से हमें क्यों लगाव आ रहा है, क्यों दिल लगी आ रही है? बात ये है, एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट पढ़ते क्यों हैं? पहला तो ये लॉजिक है। देखो मेरा बच्चा,
कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो आइसोटोप्स बनाते हैं, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो है ना आइसोटोप्स बनाते हैं, ठीक है। जैसे H11, H12, H13, क्लोरीन 1735, 1737 है ना। अब यहां पर लड़ाई है हब की लड़ाई। हाइड्रोजन कहेगा ये वाला मैं मेन हूं, ये कहेगा मैं मेन हूं, ये क्लोरीन कह देगा मैं मेन हूं, ये क्लोरीन कह देगा मैं मेन हूं। तो ऐसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए हम एलिमेंट का एटॉमिक मास एवरेज ले लेते हैं, ठीक है। आइसोटोप बुरा ना मान जाए, एक आइसोटोप दूसरे को ये ना कह दे कि मैं मानू नहीं बेटा, क्लोरीन 35 की भी उतनी वैल्यू है जितनी 37 की वैल्यू है, ठीक है। तो आपको याद रखना है हम एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट टू मेंटेन द फ्रैक्शनल एंड अबंडेंस ऑफ द एलिमेंट इन द नेचर। भाई एक नेचर में एक एलिमेंट की कितनी अबंडेंस है फ्रैक्शन में परसेंटेज में, उसको मेंटेन रखने के लिए हम इस एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट लेते हैं, ठीक है मेरा बच्चा। तो बड़ा ध्यान से सुनना। हाँ, पहले तो लोगों को ना आइसोटोप्स की डेफिनेशन क्लियर नहीं होती, मुझे जल्दी से चैट सेक्शन में आइसोटोप की डेफिनेशन लिख के दिखाओ। मैं देखता हूं कितने बच्चे बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटोप्स, व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटोप्स। ये रटी हुई डेफिनेशन है बेटा, ये डेफिनेशन रटी हुई है। द एटम्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। नहीं बेटा, आइसोटॉप्स। और मैं गारंटी लेता हूं यहां से ओपन चैलेंज है, मोस्टली स्टूडेंट ही नहीं टीचर भी डेफिनेशन गलत पढ़ते हैं। मैं बताऊंगा इसके पीछे लॉजिक। एक आइसोटोप्स है, एक आइसोबार्स है। फिर से बोल रहा हूं, स्टूडेंट ही नहीं टीचर भी डेफिनेशन गलत बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एक बात हमने माइंड में रट रखी है कि द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, द एटम्स ऑफ हैविंग सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास। या एटॉमिक मास सेम हो जाए और डिफरेंट हो जाए तो आइसोबार कह देते हो। ये डेफिनेशन रटी हुई है। मैं देखता हूं कितने ऐसे बच्चे हैं, देखो सेम वही लाइन लिख रहे हैं, दो जाओ सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास। सब ने यही लाइन लिखी है, मोस्टली सभी बच्चों ने सही यही लाइन लिखी है। देखो जय शर्मा बेटा, आप क्या कुछ नया लिखोगे? देखो अब कोई बच्चा चैट सेक्शन में कुछ नहीं लिखेगा, अब कोई बच्चा चैट सेक्शन में कुछ नहीं लिखेगा। रेना रेडू भी कह रही है सर भी चाहो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, बेटा वही है, सेम डेफिनेशन लिखी है। मैं कह रहा हूं ना, इवन द टीचर्स दे डू मिस्टेक्स इन दिस डेफिनेशन। आपको आइसोटोप्स आइसोबार की डेफिनेशन पता है, मैं लिखता हूं। देखो आप क्या लिखोगे, द एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट। कोई बच्चा चैट सेक्शन में कुछ नहीं लिखेगा, मेरी बात को गहराई से समझेंगे, आज आपके बहुत फंडे हिलने वाले हैं दिमाग के। डिफरेंट एटॉमिक मासेस बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस, इसमें क्या लिखते हो, द एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ये डेफिनेशन उल्टी है आइसोबार की। लेकिन मेरा बच्चा ध्यान से सुनेगा, अब मेरा बच्चा ध्यान से सुनेगा, देखो फर्क किस चीज का है मेरा बच्चा, फर्क किस चीज का है, फर्क किस चीज का है कि जब आइसोटोप्स की बात करोगे तो क्लोरीन 1735, क्लोरीन 1737, हाइड्रोजन 11, 12, 13। बेटा एटम तो एक ही एलिमेंट का है,
ये दोनों एटम क्लोरीन के हैं, ये भी क्लोरीन का है, ये भी क्लोरीन का है, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। आइसोटोप्स क्या होते हैं? द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। अगर आपने ये वर्ड नहीं लिखा, ये वाला वर्ड, डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है मेरा बच्चा। और आइसोबार देखो, कैल्शियम 20-40, आर्गन 18-40। आर्गन होता है 18-40, कैल्शियम होता है 20-40। अरे जब एलिमेंट ही डिफरेंट है तो एटॉमिक नंबर कभी जिंदगी में सेम नहीं हो सकते, ये फैक्ट है मेरा बच्चा। अरे जब एलिमेंट ही डिफरेंट है, आपने कैल्शियम और आर्गन दो डिफरेंट एलिमेंट ले लिए, तो एटॉमिक नंबर कभी जिंदगी में सेम नहीं हो सकता। तो यहां पर आएगा द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। कुछ चीजों को बहुत गहराई से समझना बड़ा जरूरी होता है। आइसोटॉप्स होते हैं एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, बट आइसोबार्स आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। नीचे वाली डेफिनेशन बच्चों की डेफिनेशन है, ये तो दुनिया रट के बैठी है कि द एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, द एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। बेटा ये तो बच्चों वाली डेफिनेशन है, ठीक है? एंड यू हैव मूव्ड टू द 11th क्लास, छठी सातवीं आठवीं के बच्चे नहीं हो, 11th के बच्चे हो। यू मस्ट हैव नोन द डिफरेंस बिटवीन आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स। दीज आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, बट दीज आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है मेरा बच्चा, अब क्लियर हुआ? कोई डाउट नहीं है? बिल्कुल क्लियर है? सविता ग्रेवाल, बहुत ही प्यारे बच्चे, बहुत ही प्यारे बच्चे, बहुत ही अच्छे बच्चे। गर्वित गांधी कह रहे हैं एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। हाँ बेटा गर्वित, बेटा आप तो इंटेलिजेंट हो यार, आपको किसने मना किया है यार? यू आर माइंड ब्लोइंग मेरा बच्चा। चलो ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गए छोटे छोटे बच्चों वाली बातें। एवरेज एटॉमिक मास निकालने का तरीका बताता हूं, एवरेज एटॉमिक मास निकालने का तरीका देखो। एवरेज एटॉमिक मास निकालने के बेटा दो तरीके हैं, सुन लो। एवरेज एटॉमिक मास निकालने के दो तरीके हैं बेटा बच्चा, क्या है देखो। देयर आर द टू वेज टू कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास निकालने के दो तरीके हैं, देयर आर द टू वेज। क्या? अगर आपको आइसोटोप्स की परसेंटेज, या तो आइसोटोप्स आपको फ्रैक्शन अबंडेंस में दे रखे हो, किसमें दे रखे हो? फ्रैक्शन अबंडेंस में, या दे रखे हो परसेंटेज अबंडेंस में। दो तरीके से मिलेंगे, मैं आपको दोनों तरीके से बताता हूं, ठीक है? आइसोटोप्स को या तो आपको परसेंटेज में गिवन देंगे एग्जामिनर, एग्जामिनर आपको दो तरीके से फंसाएगा, या तो आइसोटोप्स की परसेंटेज देगा अलग अलग आइसोटोप्स की, या आपको आइसोटोप्स के फ्रैक्शन देगा। फ्रैक्शन जैसे 3:1, 2:1, 5:1, ऐसे करके फ्रैक्शन देगा। तो मेरा बच्चा बिल्कुल भी डरना नहीं है, देखो बेटा आ जाओ, दोनों तरीके बताता हूं, फ्रैक्शन में कैसे करेंगे और परसेंटेज में कैसे करेंगे, ठीक है? आ जाओ, दोनों तरीके से एग्जाम्पल देता हूं। तो बेटा लिखो, किसी भी एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला, एवरेज एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला। पहला केस पढ़ा रहा हूं, केस नंबर 1, कब? जब आपको फ्रैक्शन गिवन हो। क्या गिवन हो? फ्रैक्शन। तो क्या करोगे? बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, लिखो साथ साथ, लिखो मेरा बच्चा। अगर आपको फ्रैक्शन गिवन है तो क्या करोगे? देखो अगर फ्रैक्शन गिवन होता है, एवरेज एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला है, एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, आइसोटोप आपको बहुत सारे मिलेंगे, फर्स्ट आइसोटोप का एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय उसका फ्रैक्शन,
कर दिया, प्लस एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप दूसरे आइसोटोप का एटॉमिक मास और मल्टीप्लाई बाय उसी का फ्रैक्शन कर दिया एंड सो ऑन, ऐसे चलते चले जाओ, कितने भी आइसोटोप हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, और डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन आपको गिवन है उसका सम कर दो। ये तरीका बेटा, नोट डाउन करो इसको, नोट डाउन करेगा मेरा बच्चा। ठीक है, नोट डाउन करो, फिर आपके दिमाग के ढक्कन खोलता हूं मैं। कर लिया नोट, नोट डाउन कर लिया बेटा, जल्दी बोलो चैट सेक्शन में। चलो देखो बेटा, क्वेश्चन क्या है, क्लोरीन हैज टू आइसोटॉप्स, क्लोरीन के दो आइसोटॉप्स हैं, क्लोरीन 1735 एंड क्लोरीन 1737 आर इन फ्रैक्शन 3:1, इनका फ्रैक्शन कितना है बेटा, 3:1 में है नेचर के अंदर। आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास, आंसर सभी को पता है 35.5 आएगा, कितना आएगा 35.5, लेकिन कैसे आएगा वो चेक करो, आ जाओ। मैं कह रहा हूं क्लोरीन के दो आइसोटोप है 1735 और 1737, इसका फ्रैक्शन है 3:1, 3:1 समझ गए, मतलब 3:35 वाले का है और 1:37 वाले का है। आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, तो कैसे निकालोगे देखो, पहले का एटॉमिक मास पहले आइसोटोप का कितना है 35, मल्टीप्लाई बाय इसका फ्रैक्शन कितना है 3, प्लस दूसरे का एटॉमिक मास 37, इसका फ्रैक्शन कितना है 1, ठीक है, ऐड करो, डिवाइड बाय फ्रैक्शन का सम 3+1, 3+1, बस खत्म हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा। अच्छा दोनों जगह 35 लिख दिया, सॉरी 37 है बेटा, ये 37 है, ठीक कर लो इसको, ठीक है मेरा बच्चा, बस सॉल्व करो इसको, 35 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 105 आएगा, 37 को 1 से करोगे 37 डिवाइड बाय 3+1 4 आएगा, 142/4 करके देख लो, 35.5 आंसर आता है, 35.5, ठीक है बेटा, कोई डाउट नहीं है। हाँ तो क्लोरीन का जो हम एटॉमिक मास लेते हैं ना वो एवरेज एटॉमिक मास होता है, ध्यान रखना 35.5, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है मेरा बच्चा। चलो ये तो हो गई किसमें, फ्रैक्शन के केस में, चलो नोट डाउन करना है इसको, दूसरा तरीका देखो, दूसरा भी यही है मेरा बच्चा, देखो क्या केस टू सुनो, सेकंड केस क्या है, सेकंड केस अगर फ्रैक्शन की जगह परसेंटेज गिवन हो तो क्या करोगे, तो भी नहीं डरना बेटा। देखो क्लोरीन के दो आइसोटोप हैं 1735 और 1737, अगर इनका रेशियो 3:1 है नेचर में,
नेचर में अगर ये 3:1 है तो बेटा वैसे परसेंटेज में क्या आएंगे, ये 75% है और ये 25% है, तो काहे घबरा रहे हो दोस्त। 3:1 क्या होता है परसेंटेज में, 75 और 25, तो काहे घबरा रहे हो, बस सेम फार्मूला बनेगा। यहां पे फ्रैक्शन की जगह क्या लिख दोगे, परसेंटेज, यहां भी फ्रैक्शन की जगह परसेंटेज, लेकिन ध्यान रखना टोटल परसेंटेज जब ऐड करते हैं 100 आती है, परसेंटेज जब भी टोटल ऐड करोगे तो 100 आएगी। यहां पर डिवाइड आपको परसेंटेज का सम नहीं करना, डिवाइड बाय 100 कर देना, बस डिवाइड बाय क्या कर देना 100, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। सोल्व करके देख लो सेम आंसर आएगा, यानी कि 35 × 75 प्लस 37 × 25, 35 को 75 से करो और 37 को 25 से करो, डिवाइडेड बाई 100, ये आएगा 35.5 के बराबर, ठीक है, क्योंकि ये जो बैठेगा वो 3550 आएगा ऊपर और नीचे 100, 35.5 आएगा, ठीक है मेरा बच्चा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लीन है। क्रिस्टल क्लीन है कि नहीं है, चमकीला कि नहीं चमकीला, यस चलो अब बताओ, एक क्वेश्चन और करो, एक क्वेश्चन जल्दी से करके दिखाओ मेरे को। दो बोरोन एटम है बेटा, एक बोरोन है 5'10, एक बोरोन है 5'11, ये है एक है बोरोन 5'10, एक 5'11, ये 19% है, ये 81% है, जल्दी बताओ एवरेज एटॉमिक मास कमेंट सेक्शन में, जल्दी बताओ एवरेज एटॉमिक मास, दिख रहा होगा ना, एक 5'10, 5'10, 5'11, हमारे पास सारे जुगाड़ है बेटा, दिख रहे हैं ना अब, नयन सिंगल ने निकाल भी दिया 10.81, बहुत ही प्यारे बच्चे, ऐसे बच्चे चाहिए मुझे, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है और कितना हल्का क्वेश्चन है। एक का एटॉमिक मास सिंपल करो, 10 × 19 भाई, इसका मास इसका परसेंटेज, इसका मास इसका परसेंटेज, 11 × 81 और डिवाइडेड बाई 100, कितना आया मेरा बच्चा आंसर, 10.81, ठीक है बेटा, क्लियर है, हाँ चलो एक और करो, एक क्वेश्चन देता हूँ, नीट 2007 में आया हुआ है, ये नीट 2007 में आया हुआ है, एक और करो, ठीक है मिटा दूँ, चलो बहुत इजी, आज इजी क्वेश्चन था ये, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, चलो अगला क्वेश्चन देखो, निकाल दिया मेरे बच्चों, हाँ एक एलिमेंट है बेटा NNEET 2007 का क्वेश्चन है, नीट 2007 का, एक एलिमेंट है X, मैं आपको ये क्यों लिखवाता हूं पता है, कि नीट 2007, नीट 2015, जेई मेंस, जेई एडवांस, ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस बना रहे कि सर जो क्वेश्चन करवा रहे हैं इस चैप्टर के वो जेई मेंस और नीट लेवल के हैं, और अगर आप ये कर पा रहे हो इट मीन्स डेफिनेटली बिल्ड अप योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। अगर मैं आपको कह दूं कि बेटा ये जेई का क्वेश्चन है और आपसे नहीं हो रहा, तो बेटा आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाएंगी, ठीक है, इसलिए अगर आप ये कर पा रहे हो इसका मतलब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल सराखों पे होना चाहिए, मजा आना चाहिए, ठीक है। हाँ एक एलिमेंट एक्स है बेटा, उसकी आइसोटोप कंपोजिशन है, उसके आइसोटोपिक
आइसोटोपिक कंपोजिशन दी हुई है। कितनी कितनी दी हुई है लिखो, एक है एक्स 200, एक है एक्स 199 और एक है एक्स 202। एक्स 200, 199 एंड 202 परसेंटेज है 90%, 8% एंड 2%। जल्दी से निकालो एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास बताओ मुझे। शुरू हो जाओ, केवल मैथमेटिक्स है, गुणा भाग करना है बस। ऑप्शन दे देता हूं, चार ऑप्शन है, किसके क्लोज आते हैं वो चेक कर लेना, ए बी सी डी। पहला ऑप्शन है 199, दूसरा है 200, तीसरा है 201, फिर 202। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं वो मकान, मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए, लेकिन सुकून का जजीरा मिल न पाए, एक ही करार, एक ही करार, एक बार जो तजल्ली तो दिला दे, झूठी सही तो गई तजल्ली तो दिला दे। हाँ 200 करेंगे बेटा, 200 आंसर है इसका 200। मैं इसकी ट्रिक बताऊं, इसकी जबरदस्त ट्रिक बताऊं आपको बेटा। अगर तीन आइसोटोप कंपोजिशन में से एक पर्टिकुलर आइसोटोप की कंपोजिशन बाकी दोनों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो, देखो ये 90% है, ये 8% है और ये केवल 2% है, इसका मतलब है एवरेज एटॉमिक मास 202 के आसपास तो कभी नहीं आएगा, 199 के आसपास आ सकता है, लेकिन जिसकी परसेंटेज अबंडेंस सबसे ज्यादा है आंसर उसके क्लोज आएगा। ये ट्रिक याद रखना, जिसकी परसेंटेज अबंडेंस ज्यादा होती है आंसर उसके पास आता है, याद रखना। ये नितेश सर की जबरदस्त ट्रिक है, याद रखना कभी जिंदगी में का अगर टाइम जैसे मान लो इस क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको एक मिनट लगेगा, क्योंकि गुणा करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ट्रिक बता रहा हूं, अगर मान लो आपके पास केवल पेपर में 5 सेकंड बचे हुए हैं, केवल 5 सेकंड, और आपको क्वेश्चन पे गोला करके आना है, मतलब आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, नीट में आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन आपको पेपर में केवल 5 सेकंड बचे हुए हैं, तो बेटा इस क्वेश्चन की जबरदस्त ट्रिक है। अगर परसेंटेज अबंडेंस ऐसे दी हुई हो और एवरेज मास पूछ ले, तो एवरेज मास हमेशा जिस आइसोटोप की परसेंटेज ज्यादा है उसके पास आएगा, इसकी परसेंटेज ज्यादा है ना, इसके पास आएगा। जैसे क्लोरीन वाले में देख लो, क्लोरीन का 17-35 भी था और 17-37 भी था, लेकिन आंसर कितना आया 35.5, मतलब इसके पास आया, उसके पास नहीं आया, इसके पास आया, क्योंकि ये 75% था। ठीक है मेरा बच्चा, हाँ, जिसकी परसेंटेज ज्यादा होती है उसके पास आंसर आता है, ये ट्रिक याद रखना। वैसे मैं कर दूंगा इसको, 200 को 90 से करोगे प्लस 199 को 8 से करोगे प्लस 202 को 2 से करोगे, बस कुछ नहीं करना, डिवाइड बाय 100। ठीक है बेटा, ठीक है, आंसर कितना है इसका मेरा बच्चा, आंसर 202 है और अप्रोक्सीमेट कितना आया 199.96 और आंसर कितना बैठ जाएगा 200। ठीक है बेटा, क्लियर है मेरा बच्चा, हाँ कोई डाउट नहीं है। इसका मतलब आज हमने एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट धुन के रख दिया, बिल्कुल धुन के रख दिया। और मेरा बच्चा जो मेरी लाइव क्लास डेली अटेंड करता है मेरा बच्चा, मैंने आपको फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन बता दूं, हमने मोल कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ा दी, अब तक हम मोल कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ा चुके हैं, हम उसके बाद स्टोकियोमेट्री के क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा चुके हैं। स्टोकियोमेट्री समझते हो ना, तीन रिलेशन बताई थी, मास 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 वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम, तीनों की धज्जियां उड़ा चुके हैं। चलो उसके बाद
हम LR और ER का कॉन्सेप्ट इसकी धज्जियां उड़ा चुके हैं। और आज हमने किसकी धज्जियां उड़ाई हैं? आज हमने धज्जियां उड़ाई हैं एवरेज एटॉमिक मास की धज्जियां उड़ा दी हैं। और नितेश सर बताओ, कल बताओ लाइव सेक्शन में लिखो, कल नितेश सर किसकी धज्जियां उड़ाएंगे, कल किसकी धज्जियां उड़ाएंगे? कल बताओ। यस, गर्वित गांधी ने बिल्कुल राइट आंसर लिखा, इक्विवेलेंट वेट। ठीक है बेटा। और हाँ, मैं आपको फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन बता दूं, मेरा बच्चा, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं आपको पहले से बता दूं कि जो मैं कल टॉपिक पढ़ाने वाला हूं उस टॉपिक का नाम है इक्विवेलेंट वेट। और इस टॉपिक को हल्के मत ले लेना, इस टॉपिक को हल्के मत ले लेना, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आगे जाके दो टर्म आएंगी, मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी, बेटा इसमें काम आएगा ये टॉपिक, आप हल्के मत ले लेना। और इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट आगे एक चैप्टर आएगा 12th क्लास में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आगे 12th क्लास में एक चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये इक्विवेलेंट मास का कॉन्सेप्ट यूज होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं ना, जब हमारे चैप्टर का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, बेटा इसके ऊपर 15 जासू लेक्चर ले चुका हूं, 15 लेक्चर के बाद भी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ, ये चैप्टर सांस लिए जा रहा है, लिए जा रहा है, लिए जा रहा है। हाँ, फिलहाल इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन हमारे लिए कोई कमी नहीं है बेटा, केमिस्ट्री को जियो जितना जी सकते हो। ठीक है मेरा बच्चा, कल मिलते हैं नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। कल हम इक्विवेलेंट वेट की धज्जियां उड़ाएंगे, पूरा एक घंटे टॉपिक चलेगा ये, एक घंटे में मैं आपको इक्विवेलेंट वेट पहले समझाऊंगा, फिर जेई के क्वेश्चन कराऊंगा, फिर नीट के क्वेश्चन कराऊंगा, और फिर जाकर AIPMT नीट डेफिनेटली हमारी मुट्ठी में होगा। ठीक है बेटा, कल बात करेंगे, ऑल द वेरी बेस्ट। अटेंडेंस लगा दो, और जो बच्चे नहीं जागे हैं उनको जगाओ कि नितेश सर क्लास लेते हैं दासू दासू डेली डेली, क्लास में आया करें। ऑल द वेरी बेस्ट बेटो, बाय बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स।